बिहार के रोहतास में कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहां कोरोना का कहर बरपा है। यहां कोरोना पॉजिटिव एक 10 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बच्ची की मौत की पुष्टि सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर KN तिवारी ने की है। उन्होंने बताया है कि नोखा के लिलारी की रहने वाली 10 वर्षीय साधना कुमारी की मौत हुई है। वह हरेंद्र गिरी की पुत्री थी। देहरी के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा था, जहाँ उसकी मौत हुई है। कोरोना का कौन सा वेरिएंट है यह जानकारी के लिए तमाम रिपोर्ट को जांच के लिए पटना भेजा गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि चूंकि बच्ची अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया के शेरघाटी गई हुई थी, जहां उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद जमुहार के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि जाँच में कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया था। वहीं इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई है। किस वेरिएंट के कारण मौत हुई है, इसकी जांच के लिए रिपोर्ट को पटना भेजा गया है। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। जिस गांव की साधना कुमारी रहने वाली थी, वहां आसपास मेडिकल टीम भेजा गया है एवं कोविड जांच कराया गया, लेकिन अन्य किसी लोगों में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। वैसे पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है। लड़की साधना कुमारी नाम था, 10 साल की, वो लिलारी की रहने वाली थी। उसके पिताजी का नाम हरेंद्र गिरी था। वो गई थी, मैंने पहले से भी उसको तबीयत खराब था, और वो गई थी अपने एक रिश्तेदारी में शेरघाटी। और शेरघाटी में कुछ लोग गया से आए थे, कुछ लोग आसनसोल से आए थे। वहाँ से लौटने के बाद इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। वो नारायण मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी, तो वहाँ जाँच हुआ तो उसका कोविड पॉजिटिव निकला। तो ये कौन सा वेरिएंट था, इसके लिए तो पटना RMRI में भेजा गया है, तो बाद में पता चलेगा। तो का पूरा है, जांच हम लोग बढ़ा दिए हैं। अब जो BTM बीच में ख़त्म था, सब BTM आ गया है। 4000 BTM हम लोग को पटना से मिला है, उसका उठाव हम लोग कर लिए हैं। हर ब्लॉक में मैंने टीम जैसे पहले था, सबको अलर्ट मोड में। विभाग का कहना है कि पैनिक नहीं क्रिएट करना है, लेकिन रैंडम जांच चल रहा है।